अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीठे समोसे की रेसिपी। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मीठे समोसे को कैसे डेकोर करके सर्व करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें पालूँगी, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, बहुत कम मसालों के साथ तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। खोया मैंने लिया था 1 कप, इसे हम इस तरह से एक बर्तन में डाल देंगे और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे या कुक कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, दानेदार खोया था, इसे हल्के से सॉफ्ट करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास इंजीर थी, मैंने 3 टेबलस्पून इंजीर चॉप करके डाली है। इसके साथ ही मैंने इसमें किशमिश डाला है 3 टेबलस्पून, डेसिकेटेड कोकोनट पिसा हुआ खोपरा था 1/2 कप। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे आलमंड बादाम थे चॉप 4 टेबलस्पून, पिस्ताचू पिसते हैं चॉप 4 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक खोया सॉफ्ट हो जाए उस वक्त तक इसे हल्की मीडियम लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे। जैसे ही खोया हमारा ये सॉफ्ट हो जाएगा, इसे शिफ्ट कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर, ठंडा कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर 4 टेबलस्पून, आप अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से कितना मीठा पसंद करते हैं उतना ही डालिएगा। इसके साथ ही 1/4 या 1/2 टीस्पून के करीब मैंने कार्डियम पाउडर इसमें ऐड किया था। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मेक श्योर कि ये शुगर जो है वो तमाम मिक्सर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मीठा अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से, मैं फिर कह रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो फिलिंग हमने तैयार कर ली थी, अब ये समोसा पट्टी है, जिसे मांडा पट्टी भी कहते हैं या समोसा शीट भी कहते हैं। तो ये इसको हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लिया कि अगर आप बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, लेकिन मीठा होता है, लोग कम पसंद करते हैं, इसे छोटे साइज़ में ही बनाएं तो बेहतर रहेगा। इस तरह से इसे हम समोसे की शेप में इसका हम पॉकेट बना लेंगे। और इसके बाद जो मिक्सर हमने बनाया था रूम टेम्परेचर पर, उसे ठंडा कर लिया था, अब ये इसमें फिल कर देंगे। अब समोसे के रिक्वायर्ड के हिसाब से आप फिल करना चाहते हैं या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप ज़्यादा इसे फिल करना चाहते हैं, उस हिसाब से इसमें ये मिक्सर डालिए और सील ज़रा अच्छे से कीजिएगा, पैक कीजिएगा, ताकि खोए के अंदर जो समोसे में ऑयल ना चला जाए और खोया अंदर से लीक ना हो जाए। अब ये तमाम इसको समोसे को इस तरह से हम फिल कर लेंगे और ये जो हमने मैदे की एक स्लरी तैयार करके रखी हुई थी उससे हम इसे बिल्कुल सील कर देंगे। सेकंड भी देख लीजिए, अगर साइड से इस तरह से पट्टी कटी हुई हो ना तो कोई इशू नहीं है, आप इसे अंदर से इस तरह फोल्ड करके कवर कर सकते हैं। मिक्सर आप अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से कितना ज़्यादा भरना चाहते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो आपके पास जितने अवेलेबल हों या ना हो, आप सिर्फ खोया भी ले सकते हैं, या खोया ना हो तो आप सिर्फ कोकोनट के साथ ये मिक्सर बना के इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये समोसे मैंने इस तरह से तैयार कर लिए थे। इनको तैयार करने के बाद इस तरह से एक बैग के अंदर आप रख सकते हैं फ्रिज में, 10 दिन तक फ्रीजर कर सकते हैं, और फ्रीज़र में से अगर आपको फ्राई करना हो तो 5 से 6 मिनट निकाल के इसे रूम टेम्परेचर पर रख लीजिए। इसके बाद इसे मीडियम लो फ्लेम पर और बिल्कुल हाई ऑयल के साथ फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर और लो हीट पर ही इसे फ्राई कर लीजिए। गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद इसे आप निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और उसके बाद इसके ऊपर लगाइए अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, डेकोर कीजिए, वाइट चॉकलेट लगाइए, ब्राउन चॉकलेट लगाइए, जो आपको पसंद आता है, या आप चाहें तो इसके ऊपर ब्राउन शुगर सिरप भी ऐड कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं, या आप इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड भी लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, दस्तखान वसी कीजिए अपने भी और अपने आसपास लोगों की भी। पहला अशरा ख़त्म हो चुका है, रहमतों का अशरा था, सेकंड अशरा शुरू हो चुका है इस्तफार का। तो इस्तफार करिए, दुआएं मांगिए सबके लिए, अपने लिए और तमाम लोगों के लिए। तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। कुकिंग विद अनीला, ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो प्लीज़ एंड तक देखा करें। तो इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनीला, अल्लाह हाफिज़। Share the video and please subscribe to our channel. Bye.